तो चलो भाई 18 तारीख की अपने करंट अफेयर जी की वोकेबलरी देखते हैं, सभी अखबारों की, कोई एक पर्टिकुलर अखबार नहीं, काफ़ी सारे अखबारों, काफ़ी सारी वेबसाइट से निकल के आई हैं, और आपके मतलब सारी करंट अफेयर पूरी कर देंगे ये, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, MTS से लेकर UPSC तक। तो ISI की जो नए चीफ बने हैं उनका क्या नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, तो ये नए चीफ बन गए हैं ISI के। ISI की फुल फॉर्म इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, तो ये पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसका नाम है ISI, इंडिया की इंटेलिजेंस सर्विस है उसका नाम है RAWRO। अब दूसरा सीजर पे एक फैक्ट है जानने मात्र है कि इंद्रानी रिवर कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, बस ये याद रखने हैं आपको। तीसरा, डच आर्म फोर्स टुक पार्ट इन योगा डे, तो नीदरलैंड में योगा डे मनाया गया कल, और कहाँ पे मनाया गया, रॉयल पैलेस इन एम्स्टरडेम, जो कि कैपिटल भी है नीदरलैंड की। तो दो चीज़ आप याद रख लोगे एक ही चीज़ से। अब चौथा, LOP, LOP क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, जैसे एक तो होता है PM, पी में PM होता है जो कि मेजोरिटी से बन के आता है, और ऐसे एक अपोजिशन का होता है, मान लो जो पार्टी हार जाती है तो उनका भी एक लीडर होता है, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं। तो वो पहला ऐसा कौन बना था LOP, उनका नाम था राम सुभाग सिंह। तो इसमें अब कांग्रेस के लिए बड़ा लफड़ा हो गया, पिछले पिछले बार भी उन्हें नहीं मिली थी 16वीं लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट, और इस बार भी मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि मिनिमम सीट चाहिए रहती है 1/10, 55 चाहिए रहती है टोटल का, 1/10 चाहिए रहती है, और कांग्रेस की अब कभी 52 सीट आई है, 3 कम है, तो उनको लीडर अपोजिशन मिलना मुश्किल है, पर कह रहे हैं कि दे देनी चाहिए क्योंकि अपोजिशन भी होनी जरूरी है एक डेमोक्रेसी में। अब देखो क्या होता है। पाँचों, देखो भूटान, तो भूटान का क्यों आया है कि भूटान मोस्ट पीसफुल कंट्री है एशिया में, इसकी रैंक है 15th। अब देख लो कि सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री है भूटान, जो कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उन्हें कोने में पड़ी है, फिर भी सबसे पीसफुल है, और इंडिया इतनी मतलब डेवलपमेंट कर रही है, और 101 रैंक है, ठीक है। तो PM यहाँ के हैं डॉक्टर लोटे टिशेरिंग, और इसकी कैपिटल है थिम्फू, करेंसी इसकी नगरूटम, और इंडिया के रुपए भी वहाँ पे चलते हैं थोड़े बहुत। अब ये भी एक नाम आती है, फर्स्ट सेमी ओपन जेल फॉर वुमेन, तो पहली सेमी ओपन जेल वुमेन के लिए कहाँ पे बनी है, तिहाड़ जेल में बनी है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट सेमी ओपन जेल कहाँ बन रही है, तो आप टिक कर दोगे तिहाड़ जेल, बस इतना बहुत। सेमी ओपन जेल कुछ इस तरीके की होती है कि जैसे जेल में बैरक वगैरह होते हैं उसमें बंद रहते हैं कैदी, तो सेमी ओपन जेल में ऐसे बैरक वगैरह में बंद नहीं रखते हैं कैदियों को। सातवां, विराट कोहली जो है बिकेम फास्टेस्ट बन गए हैं, जिन्होंने 11,000 रन कंप्लीट करे हैं, उन्होंने सबसे कम इनिंग ली है 222 इनिंग ली है, बस सचिन ने भी 276 इनिंग ली थी, तो सचिन से भी काफ़ी इनिंग कम में इन्होंने ये स्कोर पूरा कर दिया, और इनकी उम्र भी अभी काफ़ी कम है, तो ये ऐसा माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा रन बनाएंगे, सबसे ज़्यादा शतक भी बनाएंगे। इग्नू ने एक 6 महीने का कोर्स लॉन्च करा योगा में, और इसकी योग्यता सिर्फ 12th पास है, ये कोर्स होगा 6 महीने का सिर्फ। अब अगला है एक, ये पास अवे हो गई हैं गायत्री श्री कृष्णन, ये पॉपुलर प्लेबैक सिंगर थी, तो आजकल आ रहे हैं काफ़ी क्वेश्चन की मतलब कौन किसकी डेथ हो रही है, ऑर्बिटरी, तो काफ़ी आ रहे हैं, इनको आप याद रख सकते हो। 10वां, आसाम, तो असम जो है सेटअप करेगा कंट्री की बिगेस्ट स्किल यूनिवर्सिटी, जिसमें कि 10,000 से ज़्यादा सीट होंगी, तो अच्छी बात है, जो भाई स्किल जिसको मिल जाती है उसको जॉब मिली जाती है, ग्रेजुएशन करके पक्का नहीं है जॉब मिलेगी नहीं होगी, पर आपके पास स्किल होगी तो जॉब मिली जाएगी, तो दरंग डिस्ट्रिक्ट में बनेगी। LGBT प्राइड मंथ, तो LGBT जो कम्युनिटी होती है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, तो इनका प्राइड मंथ होता है जून, और ये क्यों जून इनका प्राइड मंथ है, इसलिए क्योंकि ये इसमें एनिवर्सरी मनाते हैं स्टोन वॉल राइट्स की, जो कि न्यूयॉर्क में हुए थे 1960s में, पहली बार सेलिब्रेट करा था 1994 में, और अब तो ये कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। ये देखो स्लोवाकिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है जुजेना कैप्यूटोवा, तो आ सकता है कि क्योंकि आजकल फीमेल एम्पावरमेंट की, वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात हो रही है, तो जब भाई कोई पहली कहीं की प्रेसिडेंट बन रही है तो हो ही रहा है एम्पावरमेंट, तो ये आ जाएगा। तो इसकी कैपिटल है ब्रैटिस्लावा, और इसकी करेंसी है यूरो, तो करेंसी यूरो है, तो ऑफकोर्स ये यूरोप की कंट्री है स्लोवाकिया। 13वां, सुमन राव, मिस इंडिया बन गई है, मैंने कल डाला था इंस्टाग्राम पे भी डाला था इसको, और मैंने फेसबुक के पेज पे भी डाला था, जो जो वहाँ पे होंगे उन्होंने ये देख ही लिया होगा, तो ये और इसकी सेरेमनी हुई थी वल्लभ भाई पटेल, जो ये मिस इंडिया बनी है राजस्थान से है, जो इनको मिस इंडिया क्राउन मिला है यहीं पे मिला है,
दिल्ली में, वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, तो कल था ये 17 जून को, और इसकी थीम थी लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। तो कल था है, और इसका थीम भी ठीक है, फ्यूचर को अपना टुगेदर बनाते हैं, और अपना फॉरेस्ट वगैरह लगाने से ये सब डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट नहीं आते, सूखा पड़ता नहीं है अगर आप फॉरेस्ट लगा देते हो तो। अभी थोड़ी वोकेबलरी है। सबसे पहला डैंक, डैंक होता है अनप्लेजेंट, कि दिस इज अ डैंग गिफ्ट, ये गिफ्ट कैसा अनप्लीजेंट है, सही नहीं लगा मेरे को। डेलीटेरियस कोजिंग हार्म, दिस स्टेटमेंट कैन बी डेलीटेरियस, ये स्टेटमेंट ऐसी भी हो सकती है कि जिससे हार्म पहुंच सके। फ्लोंडरिंग होता है लड़खड़ाना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट वॉज फ्लोंडरिंग या हिज गवर्नमेंट वॉज फ्लैंडरिंग, तो उसकी सरकार लड़खड़ा रही थी, कभी भी गिर सकती थी। स्क्वीकी क्लीन का मतलब होता है कंप्लीटली क्लीन, हिज रिकॉर्ड इज स्क्वीकी क्लीन, उसका रिकॉर्ड कैसा है, कंप्लीटली क्लीन। तो आई होप आपको आज की करंट अफेयर बढ़िया लगी होंगी, आपका मतलब एग्ज़ाम में मदद करेंगी।